टीवी स्क्रीन पर। आज सीएम मनोहर लाल कुरुक्षेत्र दौरे पर रहने वाले हैं। श्री कृष्ण के विराट स्वरूप का लोकार्पण करेंगे। सीएम मनोहर लाल वट वृक्ष का भी पूजा करेंगे और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी इस दौरान साथ में मौजूद रहेंगे। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। 35 टन के विराट स्वरूप में भगवान के 9 चेहरे और इस दौरान राज्यपाल बंदारू दत्तात्रेय भी साथ में मौजूद रहने वाले हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। सीएम मनोहर लाल का आज कुरुक्षेत्र दौरा है और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विनोद जुड़ चुके हैं। विनोद, आज सीएम मनोहर लाल का कुरुक्षेत्र दौरा है, क्या कुछ कार्यक्रम उनका रहने वाला है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ हरियाणा के राज्यपाल और जो आरएसएस के जो प्रमुख है डॉक्टर मोहन भागवत, वो भी कुरुक्षेत्र में रहेंगे। और आज कुरुक्षेत्र में वो विशाल का जो भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा है उसका अनावरण करेंगे। विनोद, ये जो भगवान श्री कृष्ण की विराट मूर्ति है उसकी क्या क्या विशेषता है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये काफी लंबे समय से प्रोजेक्ट था जो करीब 2022 में पूरा हुआ, जिसका आज अनावरण किया जाता है, क्योंकि ये एक ऐसी जगह पर स्थापित किया गया जो भगवान श्री कृष्ण की मुखारवित गीता का जो संदेश दिया गया था ज्योति सर से, उसी स्थान पर ये भगवान श्री कृष्ण की विराट प्रतिमा है। ये विशाल का प्रतिमा का पिछले कई वर्षों से यानी कि जो एक रुपया लगाया जा रहा था, ये कब पूरी होगी? और ये पूरी हुई है जो 2022 में पूरी हुई, और आज इसका अनावरण किया जाएगा। ऐसे में जो देश विदेश आने वाले जो यात्री है वहाँ उनको जो भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा का जो जहाँ दर्शन होंगे वही, क्योंकि गीता का संदेश इस स्थान पर दिया गया था, तो ये अपने आप देश विदेश के लोगों को आकर्षित करेगी। विनोद, कार्यक्रम के शुरू होने का समय क्या बताया जा रहा है और इस दौरान कौन कौन मौजूद रहने वाला है? मैं आपको बता चुका हूँ, ये करीब 11 बजे ये कार्यक्रम बताया जा रहा है जहाँ ज्योति सर पे होगा। और ये बकायदा इस तरह की व्यवस्था की गई है कि यहाँ पर जहाँ हरियाणा के मुख्यमंत्री अरोड़ा होंगे, वहाँ पर राज्यपाल होंगे, वहाँ पर डॉक्टर पूर्ण भागवत आरएसएस के होंगे, यहाँ किसी बच्ची यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि यहाँ पर ओपन का धनखड़ हो गए, वहीं पर यहाँ पर खेल मंत्री सुदीप सिंह हो गए, जी। शुक्रिया विनोद खुंगर आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए।